हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है आयुर्वेद से जुड़ा हुआ, आयुर्वेद का भविष्य क्या है, आयुर्वेद में कैरियर की क्या संभावनाएं हैं, हो सकती हैं या होती हैं। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, या यूं कहें कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तभी से आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, यह जीवन का आधार भी है। स्वस्थ जीवन जीने की कला है। आज स्कूल स्तर पर छात्र छात्राओं को आयुर्वेद एवं आयुर्वेद के भविष्य के विषय में जानकारी नहीं के बराबर होती है। जब जानकारी नहीं होती है तो वह आयुर्वेद के क्षेत्र में आने की कैसे सोच सकता है। आज आयुर्वेद पढ़ने की छात्र छात्राएँ आते हैं जिनका चयन MBBS में नहीं हो पाता, ये बिल्कुल हकीकत है। आज 90% से ज़्यादा बच्चे आयुर्वेद में वही आते हैं जिनका प्रथम चॉइस MBBS रहती है और उनका वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तब वो आयुर्वेद पढ़ने या BAMS पढ़ने के लिए आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्स चयन के समय ही उसको यदि पूरी जानकारी होगी तो वह आयुर्वेद का चयन भी प्राथमिकता से कर सकता है। वेदों में, उपनिषदों में, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में आयुर्वेद चिकित्सा के लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं। यदि यह चिकित्सा पद्धति इतनी खराब होती तो अभी तक ये लुप्त हो गई होती। विदेशी शासन भारतवर्ष में सैकड़ों वर्षों तक रहा, जिन्होंने आयुर्वेद को नष्ट कर अपनी चिकित्सा पद्धति को थोपने का प्रयास किया, जिसमें वो लगभग सफल भी रहे। जिस प्रकार से शिक्षा पद्धति को थोपा गया, लेकिन वे अपने प्रयास में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। वर्तमान में आयुर्वेद में BAMS और वर्तमान में आयुर्वेद शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएशन कोर्स 4.5 साल का BAMS का होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें के बाद 1 वर्ष की इंटर्नशिप इसमें होती है। इस कोर्स में चयन नीट की परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त करने के पश्चात एक काउंसलिंग के माध्यम से इसमें इसका चयन होता है। इसमें शासकीय महाविद्यालय भी हैं और अशासकीय महाविद्यालय भी हैं। इसके पश्चात 3 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पोस्ट ग्रेजुएशन या MD या MS विभिन्न विषयों में, जैसे काय चिकित्सा जिसको मेडिसिन कहते हैं, स्त्री रोग, प्रसूति, बाल रोग, कुमार वित्त जिसको कहते हैं पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, ENT, नेत्र रोग, इसी प्रकार से लगभग 14 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन MD या MS होता है। उसके पर इसका भी चयन, इसमें भी चयन ऑल इंडिया कंपटीशन के माध्यम से किया जाता है। इसके पश्चात PhD या पोस्ट डॉक्टर रिसर्च डिग्री का पाठ्यक्रम भी होता है, जो देश के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संचालित किया जाता है। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेस कई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में भी आयुर्वेद से संबंधित डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, जिसमें कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, आयुर्वेदिक फार्मेसी का एक प्रमुख कोर्स है। इसके अलावा अभी कई अलग अलग प्रांतों में अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेस संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। इसके बाद 1 वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि पहले आयुर्वेद कंपाउंडर चलता था, अभी एक पंचकर्म है, या और भी इसी प्रकार से कई और पाठ्यक्रम, क्षारसूत्र के पाठ्यक्रम हैं, और भी कई पाठ्यक्रम विभिन्न संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार ने केंद्र में पृथक से आयुष मंत्रालय की स्थापना की, उसके पश्चात लगभग सभी राज्यों में भी पृथक से आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई। आयुष मंत्रालय पृथक हो जाने के पश्चात ही इसकी आयुर्वेद के संरक्षण एवं विकास में नई गति आई है। देश में लगभग 10 आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पृथक से संचालित किए जा रहे हैं। अब इसके पश्चात पूरे देश में आयुर्वेद की शिक्षा को कंट्रोल करने के लिए NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की स्थापना, जो कि पूर्व में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM के नाम से जाना जाता था, अभी वर्तमान में 2020 में NCISM की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई। इसके द्वारा पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है।
रिसर्च संबंधित गतिविधियों करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्धा की स्थापना भी की गई। यह पूरे भारत में आयुर्वेद से संबंधित रिसर्च करने के लिए उत्तरदायी है। अब इसके पश्चात आता है कि अध्ययन के पश्चात रोजगार की क्या संभावना है, कि आयुर्वेद का अध्ययन वो छात्र क्यों करे। उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी कोर्स को करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो उसमें हम देखें कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद राज्य शासन या केंद्र शासन के द्वारा किए जाते हैं। केंद्र शासन के द्वारा CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अस्पताल पूरे भारतवर्ष में संचालित हैं, जिसमें कि UPSC के माध्यम से चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है, और राज्य शासन भी PSC के माध्यम से, सभी राज्य शासन अलग अलग PSC के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करती है। इसी प्रकार से निजी क्षेत्र में भी कुछ संस्थाएं हैं जो कि अपने यहाँ चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि डाबर, वैद्यनाथ, हिमालया, जीवा आयुर्वेद, पतंजलि योग, इनके चिकित्सालय भी BAMS डिग्री धारियों को अपने यहाँ कार्य पर रखते हैं, अपने चिकित्सा अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के कई सारी संस्थाओं में, जैसे कि NTPC, कोल इंडिया, भारतीय सेना में भी आजकल BAMS डिग्री धारियों को चिकित्सा अधिकारी के रूप में पोस्टिंग होने लगी है। इसी प्रकार से दवा निर्माण कंपनियां हैं जो कि कोविड के पश्चात और दवा निर्माण कंपनियों का एक्सपोर्ट पूरे विश्व में बढ़ा है, तो उसमें भी हमारे चिकित्सक कार्य करते हैं। औषधि निर्माण के क्षेत्र में अपने सुपरविजन में औषधियों का निर्माण करवाते हैं, सेल्स के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में या मार्केटिंग के लिए, और अनुसंधान जो वहाँ पर औषधियों पर अनुसंधान किया जाता है उसमें भी हमारे चिकित्सकों को रोजगार प्राप्त होता है। आयुर्वेद शिक्षा यानी जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस होते हैं उसमें भी व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक के रूप में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात आयुर्वेद शिक्षा के लिए एक अनिवार्य योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएशन होना। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के पश्चात असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी आयुर्वेदिक कॉलेजेस में नियुक्ति मिलती है, जिसमें कि शासकीय महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ एवं प्राइवेट कॉलेजेस भी इसमें काफ़ी संख्या में, भारतवर्ष में लगभग 300 के ऊपर आयुर्वेदिक कॉलेज संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा ये तो होगी टीचिंग की बात, उसके अलावा वो व्यक्ति एक प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण वो अपना स्वयं का क्लिनिक या हॉस्पिटल भी खोल सकता है, जिसमें कि आयुर्वेद चिकित्सा वो कर सकता है। आज हम देखें कि समाज में आयुर्वेद की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, आयुर्वेद ट्रीटमेंट की डिमांड काफ़ी बढ़ी है, तो उसको देखते हुए वो अपनी क्लिनिक भी स्थापित कर सकता है, एक हॉस्पिटल भी अपना खोल सकता है। दवा निर्माण कंपनी भी अपनी डाल सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन के पश्चात भी या BAMS के पश्चात भी, कहीं से अनुभव प्राप्त कर औषधि निर्माण, यदि उसका इंटरेस्ट है औषधि निर्माण में तो अपनी कंपनी भी प्रारंभ कर सकता है, औषधियों का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा कुछ और नए क्षेत्र भी आयुर्वेद के क्षेत्र में खुले हैं, जैसे कि आयुर्वेद आहार विशेषज्ञ। आयुर्वेद के अंदर पूरा एक आहार विज्ञान ही इसमें दिया गया है, उसके ऊपर भी एक विशेष अध्ययन कर हम आहार के ऊपर भी अपना कार्य कर सकते हैं। ब्यूटिशियन या आयुर्वेद सौंदर्य विशेषज्ञ भी एक प्रकार से एक फील्ड खुला हुआ है, तो इसमें भी आप अपनी विशेषज्ञता दिखा सकते हैं। तो ये आयुर्वेद में भी भविष्य उज्ज्वल है, ऐसा हम देखते हैं कि इसमें भी एक नौकरियों की संभावनाएं काफ़ी मात्रा में हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। औषधियों के क्षेत्र में भी आज हम देखेंगे जड़ी बूटियाँ भी एक इसका मुख्य घटक है, तो जड़ी बूटियों के व्यापार में भी हमारे चिकित्सक कार्य कर सकते हैं, जड़ी बूटियों के उत्पादन से लेके उनके एक्सपोर्ट तक। आज हम देखें भारतवर्ष के अलावा भी पूरे विश्व में आयुर्वेद की डिमांड बढ़ी है, हमारे चिकित्सक पूरे विश्व में अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। हमारे चिकित्सक
ऑनलाइन भी चिकित्सा सेवा का कार्य कर सकते हैं, जो कि विदेशों से काफ़ी मात्रा में कंसल्टेशन प्राप्त होते हैं। वो भी एक प्रकार का आप रोजगार के रूप में भी उसको आप ले सकते हैं कि विदेशों में आप प्रचार कर कर अपना कंसल्टेंसी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी प्रारंभ आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए कर सकते हैं। विश्व में भारतवर्ष के नागरिक काफ़ी रहते हैं, वो भी आपकी चिकित्सा प्राप्त करेंगे, एवं विदेशी नागरिक भी आपकी चिकित्सा प्राप्त करेंगे। ये भी एक प्रकार का रोजगार के लिए भविष्य खुला हुआ है। तो भविष्य आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा है, जिसमें कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसको प्राथमिकता से इसका अध्ययन करें। और धन्यवाद, नमस्कार।